नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल, और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट से विवाद की रिपोर्ट तलब की है। ट्रस्ट पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। जमीन का मुद्दा उछलने पर ट्रस्ट में विवाद की खबर है, और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की है। जमीन खरीद का यह मामला, जिसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने तमाम आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हुई राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, और उसके बाद से ही कल से लगातार ये मामला सुर्खियों में है। एक के बाद एक अलग अलग पक्ष की तरफ से अपने अपने वर्जन सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिवेन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवेन, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, ट्रस्ट ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के मायने क्या समझे? देखिए, ये बहुत साफ तौर पर सरकार चाहती है कि इस विवाद को अंत किया जाए, और इस विवाद को समझने के लिए क्या है, क्या आरोपों में सच्चाई है नहीं है, कागजात सही हैं, जो बिक्री हुई है वो सही है कि नहीं है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए तमाम दस्तावेजों की बात की गई है, जिससे जिला प्रशासन दे सके कि आखिरकार 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ क्यों बेची गई। हालांकि जिसने बेची है जमीन, उसने साफ तौर पर कहा है कि जिस वक्त जमीन खरीदी गई थी उसने खरीदी थी, उस रेट कम थे, डील जब हुई थी तब भी रेट कम थे, लेकिन ये जब अब आखिर में इस डील को किया गया है, उस वक्त रेट बहुत बढ़ चुके हैं, सर्किल रेट, बल्कि उसको जो पैसे मिले हैं जो 18 करोड़ की 18.5 करोड़ की डील हुई वो भी कम में हुई है, क्योंकि उस जगह जमीन बहुत महंगी है। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण ट्रस्ट है, उस पर इस तरह के आरोप लगे हैं और सवाल उठाए गए हैं, इसलिए सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि कोई भी चीज अस्वीकृत रहे जांच के बगैर और किसी भी तरीके का विवाद रहे। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि ये जो पूरा डील हुई है वो बिल्कुल फेयर हुई है, उसमें सभी नियमों का पालन किया गया, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, चाहे वो संजय सिंह हो, समाजवादी पार्टी हो, आरोप लगा रही है, तो जाहिर सी बात है मामला राजनीतिक भी हो सकता है। लिहाजा सरकार हर पहलू को जांच करके ये समझना चाहती है कि कहीं किसी से चूक हुई है, लापरवाही हुई है या अनदेखी हुई है, तो वो भी जानना जरूरी है। इसलिए तमाम चीजें की जा रही है जिससे कि साफ हो सके कि वाकई इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए, आरोप अगर लगे हैं तो उस पर तस्वीर साफ होनी ही चाहिए, और अब रिपोर्ट तलब की गई है ट्रस्ट से, तो अब इंतजार